लाइक डिसलाइक के बीच अब बेरोजगार युवाओं की मुहिम सोशल मीडिया पर चल पड़ी है। पिछले कुछ दिनों से देश के करोड़ों बेरोजगार युवा #speakupforrailwayjoining, #speakupforssscrailwaysstudents, #PMModiRozgar तो जैसे हैशटैग चलाकर केंद्र की मोदी सरकार से बस यही जानना चाह रहे थे कि आखिर RRB NTPC ग्रुप डी की भर्ती के लिए परीक्षाएं कब होनी है और करोड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार कब तक मिलेगा। 5 सितंबर यानी शनिवार को युवाओं की एकजुटता सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं दिखी बल्कि देश के हर कोने कोने में दिखा, जब वो हजारों की संख्या में सड़कों पर निकल आए और थाली और ताली बजाकर सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे पर सरकार के प्रति गुस्सा जाहिर किया। इसके साथ ही ट्विटर के टॉप ट्रेंडिंग में #5:05 ट्रेंड पर रहा। हालांकि इसके कुछ ही घंटे बाद रेलवे बोर्ड ने RRB, NTPC और ग्रुप डी की करीब 1,40,000 पदों पर भर्तियों के लिए परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया, जो 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। बता दें कि भर्ती के लिए करीब 1.5 साल के बाद भी परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई थी। भर्ती के अलग अलग पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं। भले ही रेलवे बोर्ड ने परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया हो, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर युवाओं का विरोध बंद नहीं हुआ है। 5 सितंबर को 5 मिनट तक थाली बजाकर विरोध प्रकट करने के बाद अब देश भर के छात्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से 9 सितंबर को सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट करने का फैसला किया है। यही वजह है कि ट्विटर पर #9:09 ट्रेंड कर रहा है। युवाओं ने फैसला किया है कि बेरोजगारी और निजीकरण जैसे मुद्दे पर उनका प्रयास जारी रहेगा और इसके तहत 9 सितंबर को रात 9 बजे घर की लाइट 9 मिनट के लिए बंद करके दीपक, मोमबत्ती, मोबाइल टॉर्च जलाकर आह्वान किया जाएगा। बता दें कि अभी कई ऐसी वैकेंसियां हैं जो पिछले कई सालों से क्लियर ही नहीं हो पा रही हैं। इसमें से एक वैकेंसी है SSC CGL 2018 की। साल 2018 में निकली इस भर्ती के लिए एग्जाम प्रोसेस अभी भी चल रहा है। मई 2018 में SSC CGL के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। साल 2019 के अलग अलग महीने में Tier 1, Tier 2 और Tier 3 की परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं। बता दें कि अभी तक Tier 3 का रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है, जिसके एग्जाम दिसंबर में आयोजित कराई गई थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की जूनियर इंजीनियरिंग यानी JEE की वैकेंसी है, जो साल 2016 में निकाली गई थी, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इस भर्ती के तहत कुल 489 पदों पर भर्तियां होनी है। इसके बाद UP SSC जूनियर इंजीनियरिंग की दूसरी वैकेंसी दिसंबर साल 2018 में आई। आवेदन की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं किया गया है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं को लेकर नौजवान गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात कही। इसके तुरंत बाद ही ट्विटर पर #ManKiNahiStudentKiBaat ट्रेंड करने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल पर नौजवान टूट पड़े और मन की बात के कार्यक्रम को धड़ाधड़ डिसलाइक करने लगे और ये सिलसिला आज भी चल रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।